हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की मेरे पास कमेंट आ रही थी, कॉल आ रही थी कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि जैसे ही एडमिट कार्ड का अपडेट आएगा वैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड का अपडेट आ गया है और मैं ये वीडियो रात के 10 बजे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कल मुझे इस वीडियो को अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो में कोई भी गलती हो जाती है तो फ्रेंड्स देख लेना। वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही समझ में आए इस वीडियो में, और मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, तो हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके हम अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पर कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले से ही करके रखा है। उसके बाद हम फ़ोन को रोटेट कर लेंगे। फ़ोन को रोटेट करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे ENDATA.com। फ्रेंड्स, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर हमें सेकंड वाले पर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2023-24 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एडमिट कार्ड का ऑप्शन आने लगा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पर देखो लिखा है REGID, यहाँ पर हमें अपने रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करनी है, और यहाँ पर नीचे में मोबाइल नंबर फिल करना है अपना, जो हमने अपना मोबाइल नंबर लगाया था और जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है उसको हमें यहाँ पर फिल करना है। तो हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से फिल करना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र को साफ से डाउनलोड करें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आज ओपन हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें एडमिट कार्ड रोल नंबर अपना मिल चुका है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, फ़ोटो आएगा, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है कितने टाइम पर आपको पेपर देने जाना है, एग्ज़ाम डेट लिखी है, और यहाँ पर कुछ शर्तें लिखी हुई हैं, जैसे आपको क्या क्या नहीं ले जाना है पेपर में, मोबाइल, कैलकुलेटर, और ये कितने आपको क्या ले जाना है, सब कुछ लिखा है। यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं अपने एडमिट कार्ड पर, और यहाँ पर नीचे दस्तावेज हैं। और यहाँ से आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको प्रिंट नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ पूरा, उसके बाद बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एडमिट कार्ड पूरा अच्छी तरीके से ओपन हो चुका है, कोई भी मिसप्रिंट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमें बता देते हैं कि यहाँ पर आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रिंट नहीं करना है। आपको यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करके नीचे जाना है, और यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर PDF वाला ऑप्शन आ रहा है साइड में, देख सकते हैं गोला बन के आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम अपने मोबाइल पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फायर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दिया करो वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें।